कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य मोहम्मद मुजफ्फर परे ने मांग की है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान राज्यपाल अपने संबोधन में माई गवर्नमेंट शब्दों को अभिव्यक्त न करें। परे ने कहा कि वे आशा करते हैं कि पिछले वर्ष उनके द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर राज्य विधानमंडल के आगामी अधिवेशन के दौरान गौर किया जाएगा। माई गवर्नमेंट शब्दों की राज्यपाल द्वारा अभिव्यक्ति को गलत करार देते हुए परे ने इसके समर्थन में उच्चतम न्यायालय के फैसलों को इंगित किया। माई गवर्नमेंट शब्दों की अभिव्यक्ति केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है, लिहाजा राज्यपाल के संबोधन में से माई गवर्नमेंट की अभिव्यक्ति को हटा देना चाहिए और साथ ही सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों पर केवल मुख्यमंत्री ही प्रकाश डालें। मैंने 5 जो ये हमारे सेशंस हो गए या इनॉग्रल सेशंस हो गए बाय द गवर्नमेंट गवर्नर की तरफ से मैंने उस वक्त भी ये एतराजात उठाए कि ऑनरेबल गवर्नर माई गवर्नमेंट का वो अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ओनली, ये तो सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है जो ये कह सकते हैं मेरी हुकूमत। गवर्नर इज वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है इसमें लेजिस्लेचर का, मगर वो पार्ट उसका हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ इनॉग्रेट कर सकता है इस हाउस को और फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कह सकता है कि आप अपने प्रोग्राम्स, आप अपनी पॉलिसीज जो भी आपके पास हैं वो लेजिस्लेटर के सामने पेश करो। देन फिर वो लेजिस्लेटर ऑनरेबल लेजिस्लेटर को कहेगा कि आप इसमें बहस करो क्या क्या गलती है, क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर का ओहदा बहुत ही अजीम ओहदा होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, गवर्नोटोरियल पोस्ट विच विच गाल, तो उसको ये नहीं चाहिए। तो ऑनली जो कैबिनेट ने जो कल या परसों या दो दिन पहले उन्होंने जो एक ड्राफ्ट बनाया है ना गवर्नर के एड्रेस के लिए, तो वो तो सही नहीं है, वो गलत है, टोटल गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स।